कोई धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। धंधे के लिए सही वो सही। कितनी फिल्में बनेंगी जासूसी पर? कब होगा ट्रेलर लॉन्च? क्या है फिल्म में खास? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों, शाहरुख खान 1496 दिनों के बाद बड़े पर्दे पर एक एक्शन फिल्म के साथ वापसी करने के लिए तैयार है। पठान सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म है। यशराज फिल्म्स प्रोडक्शन हिंदी सिनेमा की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है, जिसके भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत होने की उम्मीद है। जबकि बैनर पहले ही फिल्म का एक टीजर और दो गाने रिलीज कर चुका है। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण पठान के ट्रेलर रिलीज डेट को लेकर जबरदस्त अपडेट सामने आ रही है। पठान के ट्रेलर को 10 जनवरी 2023 को डिजिटल रूप से रिलीज किया जाएगा। दोस्तों, टीजर शहर में चर्चा का विषय बन गया है। ट्रेलर से पठान के बारे में चर्चा और भी बढ़ने की उम्मीद है। ये 2 मिनट 37 सेकंड का ट्रेलर है, जो एक्शन सीक्वेंसेस, स्केल, म्यूजिक और हीरोज से भरपूर है। पठान एक ट्रू ब्लू थ्रेटिकल इवेंट फिल्म है, और ट्रेलर इस बात का संकेत होगा कि इसे बड़े पर्दे पर क्यों देखा जाना चाहिए। ये शाहरुख खान को इस तरह से पेश करती है कि एक सुपरस्टार वांटेड है। जॉन अब्राहम जो विलेन की भूमिका निभाते हैं, फिल्म रिलीज से सिर्फ 2 हफ्ते पहले ट्रेलर के रिलीज करने के लिए YRF की ओर से ये एक रणनीतिक कदम है। पठान का पूरा प्रोजेक्ट कम में ज्यादा की विचारधारा का अनुसरण करता है। पठान को भारत के अब तक के सबसे बड़े एक्शन फिल्म में से एक माना जा रहा है, और ये आदित्य चोपड़ा के महत्वाकांक्षी स्पाई फ्रेंचाइजी का एक हिस्सा है, जो 2012 में एक था टाइगर के साथ, टाइगर जिंदा है 2017 और वॉर 2019 के साथ शुरू हुआ था। ब्रह्मांड की चौथी फिल्म होने के नाते ये एक फिल्म से दूसरे फिल्म में पात्रों के क्रॉसओवर की शुरुआती बिंदु को भी चिन्हित करती है, जो अंततः एक बड़े टिकट मल्टी स्टारर फिनाले की ओर ले जा रही है। सलमान खान के पास पठान में एक कैमियो भी है, जो उनके जासूस टाइगर उर्फ अविनाश सिंह राठौर के किरदार में है। स्पाई फ्रेंचाइजी की फिल्म टाइगर दिवाली 2023 में रिलीज होगी, जिसमें कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी के साथ सलमान दिखेंगे, जिसमें पठान का कैमियो होगा। पठान की बात करें तो ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस और हैप्पी न्यू ईयर जैसे फिल्मों में काम करने के बाद शाहरुख और दीपिका पादुकोण की ये चौथी फिल्म है। सिद्धार्थ आनंद निर्देशित ये फिल्म 25 जनवरी 2023 को हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होने के लिए तैयार है। पठान के बाद शाहरुख खान अगली बार एटली निर्देशित जवान में दिखाई देंगे, जो जून 2023 में शुरू होने के लिए तैयार है। फिल्म में शाहरुख के साथ नयनतारा और विजय सेतुपति भी है। वो 2023 को राजकुमार हिरानी निर्देशित डंकी के साथ समाप्त करते हैं, जो क्रिसमस 2023 रिलीज के लिए निर्धारित है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि प्रशंसकों को 1531 दिनों के बाद शाहरुख खान का ट्रेलर भी देखने को मिलेगा, और इसने अपने आप में उनके प्रशंसकों और सिनेमा जाने वाले दर्शकों के बीच अपार प्रत्याशा पैदा कर दी है। जर्मनी जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पठान के टिकट दरवाजे पहले ही खुल चुके हैं, और टिकटों की बिक्री की शुरुआती प्रतिक्रिया से पता चलता है कि पठान अच्छी तरह से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में एक हिंदी फिल्म के लिए रिकॉर्ड ओपनिंग ले सकती है। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में शुरुआती रिकॉर्ड्स, वो भी बिना ट्रेलर लॉन्च के, मुख्य रूप से शाहरुख खान को लंबे अंतराल के बाद बड़े पर्दे पर देखना है, और शाहरुख बिना शर्त के अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े दर्शकों में से एक हैं। जहां तक भारत का संबंध है, एडवांस बुकिंग खोलने की घोषणा 10 जनवरी को ट्रेलर लॉन्च के बाद की जाएगी। तो दोस्तों, आपको इस फिल्म का कितना इंतजार है हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।